नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 में भाग 11 तक देखा था। भाग 11 में मैंने आपको आहार नाल की संपूर्ण संरचना के बारे में बताया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे भाग 12 के अंतर्गत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम भाग 11 में पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता दें। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि आहार नाल के कितने स्तर होते हैं। तो आहार नाल के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से आपको याद भी होगा, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोशा और म्यूकोशा। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया था मस्कुलेरिस में कितने स्तर होते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो मस्कुलेरिस में 2 स्तर होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, मतलब जो वाय होती हैं वो अनुदैर्ध्य और जो आंतरिक हैं अंत व वर्तुल पेशियों से मिलकर बनी होती हैं। फिर मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन किया था आहार नाल के किस स्तर में रुधिर, लसिका तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। तो आहार नाल के सब म्यूकोसा स्तर में रुधिर, लसिका तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था कि ग्रहणी में, छोटी आंत की ग्रहणी में सब म्यूकोशा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो है ब्रूनर ग्रंथि। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है नीट में। पांचों आपसे क्वेश्चन किया था कि म्यूकोशा आमाशय में क्या बनाती है और छोटी आंत में क्या बनाती है। तो म्यूकोशा आमाशय में अनियमित वलय बनाती है, फोल्ड्स बनाती है, इररेगुलर फोल्ड्स का निर्माण करती हैं। वहीं अगर आप छोटी आंत की पूरी संपूर्ण सतह पर देखें तो म्यूकोसा छोटी छोटी विलाई यानी रसांकुर बनाती हैं, जिसके बारे में आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे। छठवां क्वेश्चन आपसे किया था कि सूक्ष्मांकुरों का क्या कार्य होता है और वह अवशोषण सतह को कितना गुना बढ़ा देती हैं। तो सूक्ष्म अंकुर यानी माइक्रो विलाई का कार्य होता है भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देना। या कितना बढ़ा देता है, तो यह भोजन के अवशोषण की सतह को 600 गुना बढ़ा देता है। सातवां आपसे क्वेश्चन किया था कि म्यूकोसा के स्तर में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो म्यूकोसा स्तर में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका डिटेल हम आज बताएंगे। फिलहाल आपको पहले याद होना चाहिए कि म्यूकोसा स्तर में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला सरल स्तंभी कोशिका, जिन्हें एंटेरोसाइट कहते हैं या भोजन के अवशोषण में सहायक होती हैं। दूसरा कलश कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस यानी श्लेष्म का स्राव करती हैं। तीसरा पैनेट सेल्स, पैनेट कोशिका, जो कि सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती हैं। सक्कस एंटेरिकस क्या है, आंतरीय रस को कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आंत में भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और चौथा अर्जेंटाफिन कोशिकाएं, जिनसे एक हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम सेरोटोनिन है, जो आंतरीय क्रमांकुंचन गति को नियंत्रित करता है। आठवां क्वेश्चन किया गया था कि कौन सी कोशिका को हम एंटेरोसाइट कहते हैं, आंत के म्यूकोशा की कौन सी कोशिका को एंटेरोसाइट कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था सरल स्तंभी कोशिका यानी सिंपल कॉलोनर सेल्स को ही हम एंटेरोसाइट कहते हैं, जो कि भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। तुरंत याद करिए आप, म्यूकोसा में मैंने आपको बताया ना, म्यूकोसा में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तुरंत याद करिए, म्यूकोसा में 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी, सरल स्तंभी कोशिका, इसे एंटेरोसाइट भी कहते हैं, यह भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। दूसरा कलश कोशिका, यह श्लेष्म ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जिससे श्लेष्म का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। तीसरा पैनथ कोशिका, पैनथ कोशिका जो आधारीय भाग में पाई जाती है और यह एक सक्कस एंटेरिकस यानी आंतरीय रस का स्राव करती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और चौथा आखिरी अर्जेंटाफिन कोशिका, अर्जेंटाफिन कोशिका क्या कार्य करता है, तो इससे एक हार्मोन रिलीज होता है सेरोटोनिन, जो आंत की क्रमांकुंचन गति का नियंत्रण करता है। नौवां क्वेश्चन आपसे किए थे कि सक्कस एंटेरिकस का स्राव कौन करता है। तो अभी बताया सक्कस एंटेरिकस यानी आंतरीय रस का स्राव कौन करता है, पैनेथ कोशिका। दसवां आपसे क्वेश्चन किया गया था कि श्लेष्म यानी म्यूकस का स्राव करने वाली कोशिकाओं का नाम बताइए। तो श्लेष्म यानी म्यूकस का स्राव करने वाली कोशिका कौन सी थी, कलश कोशिका यानी गॉबलेट सेल्स। आखिरी क्वेश्चन किया गया था कि आंत का क्रमांकुंचन गति का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है सेरोटोनिन हार्मोन। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिनके आंसर्स हमने आपको बता दिए। अब हम आते हैं भाग 12 के टॉपिक पे, जो कि है रसांकुर की संरचना, यानी हम इस पार्ट में विलाई का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए रसांकुर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। हमने आपको बताया था कि जो म्यूकोसा स्तर होती है, आहार नाल के जो 4 स्तर होते हैं उनमें से सबसे आखिरी जो आंतरिक स्तर होता है वो म्यूकोसा है। म्यूकोसा अगर आप आमाशय में देखेंगे तो बहुत सारे अनियमित वलय बनाती हैं, लेकिन अगर आप छोटी आंत से लेकर पूरी आंत तक देखेंगे तो बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, इसमें विलाई पाए जाते हैं, जो कि हमने बताया है। यहाँ पर बनाकर दिखाया है आपको, ये आपका आंत है, आंत के इतने भाग को हमने काट कर दिखाया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये लाइनिंग है,
आंत की ये लाइनिंग है जिसमें ऐसे छोटे 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 क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई पाया जाता है। ये देखिए, ये सारे जितने भी छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, रसांकुर हैं। अब इन्हीं रसांकुर को हम जूम करके देखेंगे और बड़ा करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो दो रसांकुरों को हम देखिए, ये आंत की दीवार है म्यूकोसा स्तर जो कि आंतरिक है। म्यूकोसा के बाद क्या आता है, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के बाद क्या आता है, मस्कुलेरिस, और उसके बाद सिरोसा। यहाँ पर भी सबम्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा, कुल चार स्तर होते हैं जिनमें से सबसे आंतरिक स्तर क्या है, वो है म्यूकोसा स्तर। तो म्यूकोसा स्तर छोटी आंत में ऐसे छोटी छोटी उभार बनाती है, प्रवर्ध बनाती है, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। हम दो रसांकुरों को देखेंगे कि इनमें क्या पाया जाता है। तो हमने दो रसांकुर को बड़ा करके दिखाया है। ये है आपका एक विलाई, एक रसांकुर, और दूसरा ये है। इसी तरीके से बहुत सारे रसांकुर पाए जाते हैं समस्त आंत में। तो रसांकुर की एक संरचना देखें, रसांकुर में प्रत्येक रसांकुर में एक रसांकुर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रसांकुर है। दूसरा ये है, ये दो रसांकुरों के बीच की संरचना है। तो एक रसांकुर को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक रसांकुर में सबसे पहले हम देखेंगे एक लिम्फैटिक वेसल पाया जाता है। लिम्फैटिक वेसल, या हम कह सकते हैं लिम्फ वाहिनी, जिसे लैक्टियल कहते हैं। लिम्फ वाहिनी, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं, पाया जाता है। इस लिम्फ वाहिनी का कार्य है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अवशोषण करना, ठीक है। अभी कार्य बाद में बात करेंगे, पहले हम संरचना को देखें। एक विलाई में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ध्यान देंगे। ये कौन सा स्तर है, ये सबसे आंतरिक स्तर है ना, कौन सा स्तर, म्यूकोसा स्तर। कौन सा स्तर है, म्यूकोसा स्तर। ये जो आप स्तर देख रहे हैं, ये लाइनिंग, ये कौन सी लाइनिंग है, म्यूकोसा है। और आपको मैंने बताया कि म्यूकोसा में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, चार प्रकार की। कौन कौन सी, सरल स्तंभी कोशिका पाई जाती हैं, इसको और क्या कहते हैं बताइए जल्दी, इसको हम एंटेरोसाइट कहते हैं ना, अभी आपको बताया था, इसको हम एंटेरोसाइट भी कहते हैं। दूसरा कलश कोशिका यानी गोबलेट सेल्स, जो क्या कार्य करती है, सलेस्म का स्राव करती है। तीसरा बताइए, पैनेथ कोशिका पाई जाती है ना, पैनेथ कोशिका। और चौथा क्या पाई जाती है, अर्जेंटाफिन कोशिका। तो ये जो आप स्तर देख रहे हैं, ये कौन सा स्तर है, ये है आपका म्यूकोसा स्तर। पहले तो आप फिगर बना लीजिए, पूरा फिगर आपको बनाना है। अब इसको समझना है कि जो म्यूकोसा स्तर होती हैं उसमें चार प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। उन चार प्रकार की कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनका क्या कार्य है, अब ये याद करेंगे। तो देखिए, ये आपका जो आपको देख रहे हैं ब्लैक कलर की जो सेल्स, ये जो सेल्स आपको बनाई दिखाई गई है ना, ये एक दो तीन चार, ये जो ब्लैक कलर की सेल्स हैं, ये क्या है, पहली वाली कोशिका। म्यूकोसा में चार प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिनमें से ये जो पहली वाली कोशिका है वो क्या है, ये है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सरल स्तंभी कोशिका। यहाँ पर हमने बना के दिखाया है, ठीक है। अब आपको याद हो गया है कि म्यूकोसा में चार प्रकार की कोशिका कौन कौन सी होती है, तो हम यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। आइए देखिए, पहला जो कोशिका है म्यूकोसा का, वो है सरल स्तंभी कोशिका, यानी ये रहा सरल स्तंभी कोशिका, जिसे हम एंटेरोसाइट कहते हैं। देख रहे हैं ये सब क्या है, इसी को हम जूम करके दिखा रहे हैं और बड़ा करके, इसको और बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है, सरल स्तंभी कोशिका यानी एंटेरोसाइट हैं, ये सब एंटेरोसाइट हैं, एंटेरोसाइट, ठीक। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी आपको पहले चार प्रकार की कोशिका देखनी है। पहला कोशिका देख लिया म्यूकोसा स्तर का, कौन सा था, एंटेरोसाइट, जो कि आपको दिखा ये ब्लैक कलर की। दूसरा कोशिका कौन सा था, कलश कोशिका यानी गोबलेट सेल्स। तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर रेड कलर की ऐसी कोशिका कलश जैसी बनी हुई है, कलश जैसी कोशिका बनी हुई है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कलश कोशिका, जो एंटेरोसाइट के जगह जगह पर पाए जाते हैं, कलश कोशिका। देख रहे हैं दो कोशिका हो गया, म्यूकोसा स्तर की दो कोशिकाएँ हो गई, एक सरल स्तंभी कोशिका हो गया, सरल स्तंभी कोशिका, और दूसरा कलश कोशिका। अब आते हैं तीसरे कोशिका को देखते हैं, तीसरा कोशिका कौन सा, मैंने बताया था पैनेथ कोशिका। ये देखिए पैनेथ कोशिका यहाँ पर पाई जाती है, एकदम दोनों विलाई के आधार भाग में, ठीक है। पैनेथ कोशिका कहाँ पाई जाती है, विलाई के आधार भाग में। अब देखिए
एक चीज़ समझ लीजिए, अब अगर आप ये स्तर देखेंगे, ये एपिथीलियम म्यूकोसा स्तर की एपिथीलियम है ना, तो जो म्यूकोसा स्तर होती है वो आमाशय में तथा छोटी आंत के में स्थित, छोटी आंत में स्थित रसांकुरों के आधार भाग में धस कर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जिसे लिबरकुल प्रगुहिका कहा जाता है। इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? इस पूरे भाग को कहते हैं लिबर कुहन प्रगुहिका, लिबर कुहन प्रगुहिका। हम बड़े में यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, इस वजह से लिबर कुहन प्रगुहिका। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन, ठीक है, क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन। ध्यान देंगे आंत की जो म्यूकोसा स्तर है, म्यूकोसा, वो दो रसांकुरों में आधार भाग में धस जाती है, दो रसांकुरों के बीच में धस गई है और धस कर आंतरीय ग्रंथि का निर्माण करती है, आंतर ग्रंथि का निर्माण करती है, जिसे हम लिबरकुन प्रगुहिका या क्रिप्टस ऑफ लिबरकुन कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्रिप्टस ऑफ लिबरकुन कहाँ पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर कहाँ पर, दो रसांकुरों के बीच में जो धसी हुई भाग है वो कहलाती है लिबरकुन। तो अब इसी भाग में क्या पाया जाता है? पैनथ सेल्स, जो किसका निर्माण करता है? सक्कस एंटेरिकस का। कार्य बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ कोशिका का हम क्या देखेंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखा तीन कोशिका हो गई, सरल स्तंभी कोशिका भी हो गई, ठीक, दूसरा कलश कोशिका भी हो गई, तीसरा पैनथ कोशिका भी हो गई, चौथा कौन सा था? अर्जेंटा फिन कोशिका। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पाई जाती हैं अर्जेंटा फिन कोशिकाएं। अब हम इन चारों का कार्य देख लें। पहले जो म्यूकोसा का पहला कोशिका है वो क्या है? सरल स्तंभी कोशिका, जिसे हम एंटेरोसाइट भी कहते हैं। ये देखिए एंटेरोसाइट, ये क्या करती हैं? ये भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। जो पचा हुआ भोजन है ना, मान लो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, तो इसको यहाँ से रक्त में पहुँचाने का कार्य करती हैं, ठीक है, अवशोषित करके। जो भी भोजन पचता है आंत में, वो अवशोषित होकर कहाँ चला जाता है? रक्त में चला जाता है, ठीक है। तो जो रसांकु ये एंटेरोसाइट होते हैं, सरल स्तंभी कोशिका एंटेरोसाइट, ये भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ये पूरा का पूरा भाग आंत के अंदर का है। यहाँ पर देखिए ये भोजन का कण है, इसको अंदर लाने में, यानी ये भोजन का कण है इसको अंदर लाने में कौन सहायता करता है? एंटेरोसाइट, सरल स्तंभी कोशिका। अब आप अगर एंटेरोसाइट के और डिटेल देखें तो एंटेरोसाइट जो कोशिका होती है उसके बाहर एक ऐसे ब्रश जैसी संरचना होती है, ब्रश, बहुत सारे छोटे छोटे और भी ऐसे प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सरल स्तंभी कोशिका पर बहुत सारे, यानी रसांकुर पर बहुत सारे सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिनका कार्य अभी मैंने आपको बताया था क्या था? अवशोषण सतह को बढ़ा देना। कितना गुना? 600 गुना बढ़ा देते हैं। देखिए ये सभी क्या हैं, छोटे छोटे जो आप प्रवर्ध देख रहे हैं, ये चीज़ें, ये क्या है? सूक्ष्मांकुर हैं, जो कहाँ लगे होते हैं? रसांकुरों की सतह पर लगे होते हैं। आइए, जो ये जो रसांकुर की संरचना होती है ना, वो किस तरह से दिखती है? ब्रुश की तरह, इसीलिए कहते हैं ब्रुश बॉर्डर अपीयरेंस। और आपको पता है कि माइक्रोविलाई का कार्य क्या है? माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देता है। ये हो गया पहला कोशिका, सरल स्तंभी कोशिका का कार्य। दूसरा कोशिका देखते हैं कलश कोशिका, इनका कार्य क्या है? तो कलश कोशिका किसका निर्माण करती है? श्लेष्म ग्रंथि का निर्माण करती है, जिनसे लगातार क्या निकलता रहता है? श्लेष्म का स्राव होता है, श्लेष्म यानी म्यूकस का स्राव होता है, स्राव होता रहता है, सिक्रीट होता रहता है, निकलता रहता है, म्यूकस निकलता रहता है, जिससे कि ये जो भोजन के कण हैं वो कहीं पर चिपके नहीं,
भोजन के कण हमेशा जब तरल पद, आपने देखा होगा जब क्या होता है कि चैनल गेट है या शटर है, जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो नीचे शटर अगर देखेंगे तो शटर को नीचे डाउन करने पर वो सही से डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जो साइड साइड में जो लोहे लगे होते हैं उनमें कोई भी तरल नहीं होता, और जैसे ही आप उसमें ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर नीचे चला जाता है। शटर को आप खींचते हैं, बहुत दिन हो जाता है शटर नहीं खींचता है, क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो लोहा होता है वो सूख चुका होता है, हम ग्रीस लगाते हैं तो वो और आसानी से वो खींचता है। तो वही कार्य यहाँ पर ये करती हैं कलश कोशिकाएँ। कलश कोशिकाएँ श्लेष्म का स्राव करती हैं। श्लेष्म एक तरल है जो भोजन को एकदम नम कर देता है कि भोजन कहीं पर भी चिपके ना। वो कहाँ भोजन को अगर चिपक गया तो यहीं रह जाएगा ना भोजन, तो भोजन चिपके ना, इसलिए तरल स्रावित होता रहता है, श्लेष्म स्रावित होता रहता है, जो भोजन को तरल करता रहता है, जिससे भोजन आगे बढ़ते 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 कहाँ चला आता है, मलाशय में चला आता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि फंस जाता है भोजन, तो उसमें यही चीज़ें होती है कि श्लेष्म ग्रंथि सही से कार्य नहीं करती, जिसकी वजह से जो भी अपचित भोज्य पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। बच्चों में ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो ये कलश कोशिका का कार्य था कि ये श्लेष्म का स्राव करती हैं। अब तीसरे कोशिका कौन सी है? पैनत कोशिका। पैनत कोशिका किसका स्राव करती हैं? तो पैनत कोशिका सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती है। सक्कस एंटेरिकस क्या है, याद करते चलिए भैया, ये बहुत भूलता है ये। सक्कस एंटेरिकस क्या है? आंत्ररस है, आंत्ररस, इंटेस्टाइनल जूस। यहीं से जो जूस निकलती हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। अगर यहाँ से ये ना निकले सक्कस एंटेरिकस तो भोजन का डाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए, अब चूंकि यहाँ पर ये सक्कस एंटेरिकस निकलता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो भोजन का डाइजेशन करते हैं, इसीलिए इस भाग को क्या कहते हैं, लीवर कुन प्रगोहिका को क्या कहते हैं हम, आंतरीय ग्रंथि, आंतरीय ग्रंथि कहते हैं। ठीक, लीवर कुन प्रगोहिका कहाँ पाई जाती है? आंत में। कौन बनाता है? दो विलाई के बीच का भाग होता है। चौथा कोशिका आपको बताया था वो था अर्जेंटा फिन कोशिका। अर्जेंटा फिन कोशिका का कार्य क्या है? अर्जेंटा फिन कोशिका का कार्य है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो छोटी आंत के क्रमाकुंचन गति को नियंत्रित करता है। ये तो हो गई म्यूकस के चार कोशिका के बारे में वर्णन। अब हम रसांकुर की संरचना देखें। रसांकुर पे चार कोशिका कैसे पाई जाती हैं ये मैंने बता दिया, उनके कार्य भी बता दिया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? रसांकुर के अंदर एक बड़ी सी, आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, एक बड़ी सी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। याद रखेंगे, लैक्टियल ज़्यादा पूछा जाता है, लैक्टियल जो कि लिम्फ वाहिनी है। इसका कार्य क्या होता है? तो लिम्फ वाहिनी का कार्य होता है एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब वसा अम्लो व ग्लिसरॉल का अवशोषण, ग्लिसरॉल का अवशोषण। अभी इस पे चर्चा करते हैं, फिलहाल अभी आपको सिर्फ याद करना है। क्या याद करना है? रसांकुर के अंदर क्या पाया जाता है? लिम्फ वाहिनी, जिसे लैक्टियल कहते हैं। याद करते चलिए, रसांकुर के अंदर लिम्फ वाहिनी पाई जाती है जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। यह वसा अम्लो और ग्लिसराल को अवशोषित करने में सहायता करता है या अवशोषित करता है। अब देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, या ब्लैक कलर से देख रहे हैं, ब्लैक कलर ये जो एक लाइनिंग गई है ये पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमने तंत्रिका तंतु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्व फाइबर। अब ये क्या कार्य करती हैं? मान लीजिए हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें कोई बैक्टीरिया है, तो जब बैक्टीरिया आती हैं तो ये इन सब जो ये जो दीवारें हैं इनको डैमेज कर देती हैं, तो डैमेज करने के बाद जो भोजन का कण है इनसे सटता रहता है। जब इनसे सटता है ना, तो ये संवेग भेजती है हमारे दिमाग को कि हमारे आंत में दर्द हो रहा है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पता करता है कि क्यों दर्द हो रहा है। एक्सरे करना है तो एक्सरे करेगा, अल्ट्रासाउंड करना है तो अल्ट्रासाउंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या करता है? तंत्रिका तंतु जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये सभी रसांकुर में फैला होता है। तंत्रिका तंतु का कार्य है संवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। अगर सब नॉर्मल है तो कोई संवेग इस पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम इसको छुएंगे
हम तो नहीं छू सकते, कोई भी नहीं छू सकता। जब क्या होता है, कोई बैक्टीरिया आके इसको क्षतिग्रस्त कर देती है इन दीवारों को, तो वो बैक्टीरिया जब यहाँ पर भी पहुँच जाती हैं तो इन पे भी इन्फेक्शन करना शुरू करती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ भी छुएगा, तुरंत इसका संवेग हमारे मस्तिष्क में जाता रहता है, मतलब हमें दर्द का एहसास होता है। ठीक है, ये आपको आगे बताया जाएगा कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे दिमाग कार्य करता है, कैसे संवेग का संचरण होता है, ये सारी चीज़ें। ये हो गया तंत्रिका तंतु पाया जाता है। अब तीसरा देखते हैं क्या पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है ब्लड कैपिलरीज, यानी रक्त केशिका। केशिका बहुत महीन होती हैं बाबू, केशिका बहुत महीन होती हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें दो पाई जाती हैं, एक आर्टरी पाई जाती है और दूसरा वेन्स पाई जाती हैं। आर्टरी यानी धमनी, वेन मतलब सिरा, आपने पढ़ा होगा। धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। सिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। अब ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, ध्यान देंगे, पहले तो याद कर लीजिए। धमनी किसका परिसंचरण करती है, शुद्ध रुधिर का। सिरा किसका परिसंचरण करती है, अशुद्ध रुधिर का। अब ये शुद्ध और अशुद्ध क्या है, तो शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जिस रुधिर में ऑक्सीजन पाया जाता है उसे हम शुद्ध रुधिर कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता उसे हम अशुद्ध रुधिर कहेंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है वो कौन, वो रुधिर किसके द्वारा परिसंचरित होती है, धमनी के द्वारा। जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता वो किसके द्वारा परिसंचरित होती है, सिरा द्वारा। अब देखिए इनका कलर चेंज हो जाता है, जब रुधिर में ऑक्सीजन है तब ये रेड कलर के होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर रेड बनाया है। ये जो देख रहे हैं ना, रेड कलर का है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनमें जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है। जब रक्त नहीं होता है रुधिर में तो वो बैंगनी रंग का हो जाता है, तो बैंगनी रंग यहाँ पर हमने ब्लू से दिखाया है। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें रुधिर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये अशुद्ध रुधिर है। तो अशुद्ध रुधिर को कौन लाता है, सिरा। शुद्ध रुधिर को कौन लाता है, धमनी। तो ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल होता रहता है, होता रहता है। समझ में आया कि एक रसांकुर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक रसांकुर के अंदर एक लिम्फ वाहिनी पाई जाती है, जिसका कार्य क्या है, वसा अम्ल और ग्लिसराल का अवशोषण करना। दूसरा क्या पाया जाता है, एक तंत्रिका तंत्रु पाया जाता है जो संवेगों का संचरण करता है। तीसरा क्या पाया जाता है, इसमें रक्त केशिका पाई जाती है, जिनमें एक धमनी और एक सिरा पाया जाता है। धमनी जो शुद्ध रुधिर को लाता है और सिरा जो अशुद्ध रुधिर को वापस ले जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनका कार्य क्या है, लिम्फ वाहिनी का कार्य क्या है। लिम्फ वाहिनी का कार्य है वसा अम्लों का और ग्लिसरॉल का अवशोषण करना। ठीक है, अब ये क्या है भैया, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। तो मैंने आपको जैविक अणु बताया चैप्टर नंबर 9 में कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से क्या बनता है, वसा यानी लिपिड्स का निर्माण होता है। वसा यानी लिपिड्स का निर्माण होता है। वसा का निर्माण किससे होता है, तीन अणु वसा अम्ल, तीन वसा अम्ल। देखिए ये लिपिड है, वसा मतलब लिपिड, और यहाँ पर वसा अम्ल जो लिख रहे हैं इसका मतलब फैटी एसिड है। ये अलग हैं दोनों, तीन वसा अम्ल और एक अणु ग्लिसरॉल। एक अणु ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बनता है, एक अणु वसा का बनता है। तो हम जो खाते हैं घी तेल चर्बी मांस, ये जब हम खाते हैं तो उसमें वसा होता है, तो वसा को हम सीधे नहीं अवशोषित कर सकते, वसा को हम पाचन क्रिया द्वारा डाइजेस्ट करते हैं छोटे पार्टिकल्स में। मैंने आपको बताया है पाचन क्रिया यही होती है, ये जटिल पदार्थ हैं और ये सरल पदार्थ हैं जिनको हम अवशोषित कर सकते हैं। तो पाचन क्रिया क्या कहलाती है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन यानी डाइजेशन कहलाती है। तो जब हम वसा खाते हैं घी तेल, तो वो वसा उसमें इस प्रकार होती है जटिल रूप में। तो जब हम ये जो वसा है जब आंत तक पहुंचता है तो आंत में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं सक्कस एंटेकस में, वो इस वसा को तोड़ देते हैं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है वसा, अब ये आंत में टूट जाता है किसमें, एक गोल वसा अम्ल में, तीन अणु वसा अम्ल में और एक अणु ग्लिसरॉल में। ठीक, अब चूंकि हम इसका अवशोषण नहीं कर सकते, लेकिन अब ये वसा अम्ल हो गया ना और ये ग्लिसरॉल हो गया सरल अणु, अब हम इसका अवशोषण कर सकते हैं। तो इसका अवशोषण कौन करती हैं, तो इसका अवशोषण कौन करती हैं, लैक्टियल करता है, लिम्फ वाहिनी करता है। बात समझ में आई, जो भी हम भोजन में वसा खाते हैं घी तेल, वो डाइजेस्ट होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। उस वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को कौन अवशोषित करता है, तो उसके लिए लिम्फ वाहिनी पाई जाती है रसांकुरों के अंदर, जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। अब देखिए रुधिर का कार्य क्या है, रक्त केशिकाओं का कार्य क्या है। तो रक्त केशिका का कार्य है
यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, चलिए बताते हैं। इनका कार्य होता है किसको अवशोषित करना, ग्लूकोज को अवशोषित करना प्लस अमीनो अम्ल को अवशोषित करना। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण करते हैं कौन, रुधिर। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझाते हैं कि भोजन कैसे पचता है और पचने के बाद कैसे वो हमारे रक्त में जाता है, ध्यान देंगे। संपूर्ण कहानी एक इसी में बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इससे बढ़िया कहीं नहीं समझ में आएगा। हम एक चीनी खाएं, ठीक, चीनी खाएं, चीनी यानी शर्करा, शर्करा में हम शुगर खाएं, शुगर का निर्माण किससे होता है, आइए देखते हैं। शुगर यानी सुक्रोज, शुगर यानी सुक्रोज, सुक्रोज जटिल अणु है, इसका निर्माण किससे होता है, एक अणु ग्लूकोज से और एक अणु फ्रक्टोज से इसका निर्माण होता है, है ना। हमने चीनी यहाँ पर खाया, अभी क्या है, सुक्रोज में है चीनी, अभी क्या है, सुक्रोज में है। अब ये नीचे गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आंत में क्या हुआ, सुक्रोज टूट गया। ये जो सुक्रोज गोल कलर का बनाए थे, ये गोल से क्या हो गया, टूट गया, किस में, एक स्क्वायर और एक एक्स में, यानी एक ग्लूकोज में टूट गया और एक फ्रक्टोज में टूट गया, ठीक है। हमने खाया था चीनी सुक्रोज, अब इसका हमारे आंत में डाइजेशन हुआ, सुक्रोज का डाइजेशन हुआ। सुक्रोज का डाइजेशन किसके द्वारा हुआ, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एक एंजाइम जिसका नाम है सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम से क्या हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। सुक्रेज एंजाइम कहाँ निकल रहा है, आंत में, और आंत में सुक्रेज एंजाइम क्या किया, सुक्रोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब देखिए यहाँ पर हमने खाया था सुक्रोज और ये टूट गया आंत में, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, आंत में। अब इस ग्लूकोज का अवशोषण कौन कर लेगा, देखिए यहीं पर सब कुछ हो रहा है, यानी यहाँ पर ये सुक्रोज था, ये टूटा किसमें, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में। अब इस ग्लूकोज का अवशोषण इसी रसांकुर में पाए जाने वाली रक्त वाहिनियाँ, रक्त केशिका द्वारा हो जाता है। अब देखिए ये जो ग्लूकोज है वो रक्त केशिका में रक्त अणुओं द्वारा अवशोषित होकर हमारी समस्त कोशिकाओं में, हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं में भेज दी जाती है, क्योंकि रुधिर कहीं पर रुका नहीं होता, रुधिर पूरे शरीर में चलता रहता है। तो ये आंत से होते हुए जब आंत में आता है तो वहाँ से ग्लूकोज उठा लेता है और ग्लूकोज को समस्त शरीर की कोशिकाओं में पहुँचा देता है। अब हमें ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमें ये चीज़ें मूव करानी है, हाथ ऊपर नीचे, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज आंत में रुधिर में आया है, वो रुधिर से ग्लूकोज कहाँ पहुँचा, समस्त कोशिकाओं में पहुँचा। तो अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है, यहाँ की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है, उसके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस। अब इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखिए रुधिर का कार्य क्या होता है, रुधिर का कार्य, रुधिर हमारी आंत से ग्लूकोज उठाकर समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया, साथ ही यही रुधिर जो होता है हमारी लंग्स में आता है और वहां से ऑक्सीजन लेता है और ये ऑक्सीजन को भी समस्त कोशिकाओं में पहुँचाता है। यानी अब हमारे हाथों में क्या है, दो चीज़ें हैं, ग्लूकोज भी है, हाथ का एक एग्जाम्पल बता रहे, समस्त शरीर में यही होता है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ग्लूकोज पहुँचा रक्त द्वारा और रक्त ही हमारी लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाया है, इसको भी समस्त कोशिका में पहुंचा रहा है। तो ये जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, देखिए C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। अब ये क्या करते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 12H2O, एक मिनट, 12H2O ज़्यादा हो जाएगा, 6H2O होगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आया, जो रक्त हमारा आंत से ग्लूकोज उठाकर समस्त कोशिकाओं में पहुंचाया है और वही रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाकर समस्त कोशिकाओं में पहुंचाया है। अब यहाँ की जो कोशिकाएँ हैं उनमें क्या हो रही है,
माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, 673 किलो कैलोरी। उसी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं कोई भी कार्य करने में, बोलने में, चलने में, हाथ पैर को हिलाने में, इन सभी को कार्य करने में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो यहीं से उत्पन्न होती है। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना आपको? यही मेरा टारगेट है कि आपको समझ में आए। और अगर समझ में आता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ उसमें समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक, आइए अब हम देखते हैं रसांकुर के बारे में। और कुछ बचा है? नहीं। चलिए अब कुछ बातें समझते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि कलश कोशिका का कार्य बताइए। तो कलश कोशिका का कार्य है सेलेस्म का श्रावण करना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एंटेरोसाइट का कार्य बताइए। तो एंटेरोसाइट का कार्य भोजन का अवशोषण करना। ये किस कोशिका को कहते हैं? सरल स्तंभी कोशिका को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सूक्ष्मांकुर का कार्य बताइए। तो सूक्ष्मांकुर का कार्य है भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ा देना। चौथा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लैक्टियल कहाँ पाया जाता है, लिम्फ वाहिनी कहाँ पाई जाती है, इसको लिम्फ वाहिनी ना देकर लैक्टियल पूछा जाता है। लैक्टियल कहाँ पाया जाता है, लैक्टियल कहाँ पाया जाता है, तो रसांकुर के अंदर पाया जाता है। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि क्रिप्टस ऑफ लुबरकुन यानी लीवर प्रकोहिका कहाँ पाई जाती है, तो आंत में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सक्कस एंटेरिकस का स्राव कौन करती है, पैनेथ कोशिका। फिर इसी में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सक्कस एंटेरिकस किसे कहते हैं, तो सक्कस एंटेरिकस कहते हैं आंतरीय रस को, इंटेस्टाइनल जूस को। बस आखिरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि आंत्र की क्रमाकुंचन गति का नियंत्रण कौन करता है, सेरोटोनिन हार्मोन। बस इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि इसका डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। इनको बनाने में बहुत समय लगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को दिखाने में मैंने पूरी मेहनत की है। आप भी मेहनत करिए, इसको बनाइए, पढ़िए, समझिए, याद करिए। आज का टॉपिक बस इतना ही, रसांकुर की संरचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने समय देकर आपको बताया। तो आगे का जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला मेरा इस टॉपिक से क्वेश्चन है लैक्टियल कहाँ पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लीवरकुन प्रगुहिका यानी क्रिप्टस ऑफ लीवरकुन कहाँ पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कि आंतरीय रस को और किस नाम से जानते हैं। चौथा क्वेश्चन वसा अम्ल तथा ग्लिसराल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है। आखिरी क्वेश्चन कि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है। बस इतने क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आगे के पार्ट के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।